सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। मैं हूं आपका दोस्त रोहित और आप सबका स्वागत करता हूं एक और नए वीडियो में। सो गाइज, आज का वीडियो काफ़ी ज़्यादा स्पेशल होने वाला है। लेकिन गाइज, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी लोगों से कुछ बात करना चाहता हूं। सो गाइज, सबसे पहले मैं आप सभी लोगों से माफ़ी मांगना चाहता हूं, क्योंकि गाइज लास्ट वन वीक से मैंने कोई भी वीडियो अपलोड नहीं किया है, क्योंकि गाइज हमारे चैनल पर आ गई थी कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक। उसके वजह से हमारे जो भी वीडियो अपलोड्स थे वो सब रुक गए थे। लेकिन गाइज फाइनली अभी वो जो स्ट्राइक है वो रिमूव हो चुके हैं, तो हम लोग फिर से अभी हमारे यूट्यूब चैनल पर रेगुलर वीडियोस अपलोड करने वाले। सो गाइज, इसी के साथ हम लोग वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सो गाइज, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले टॉप 5 न्यू एंड्रॉयड गेम्स जो अभी रिसेंटली लॉन्च हुए। और गाइज, वो सभी के सभी गेम्स काफी ज्यादा शानदार और काफी ज्यादा अमेजिंग होने वाले, तो आप सभी लोगों को उन सभी गेम्स को एक बार जरूर ट्राई करना चाहिए। उनके ग्राफिक्स भी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाले और उनकी जो स्टोरी लाइन है वो भी काफी ज्यादा शानदार होने वाली है। सो गाइज, और ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो गाइस, हमारे लिस्ट का 5th नंबर का गेम निकल के आता है ट्रेंच सिमुलेटर 3। और गाइस, इस गेम की साइज आपको अराउंड 2.2 GB के आसपास देखने को मिल जाएगी। गेम पूरी तरह से ऑफलाइन होने वाला है। सो गाइस, अगर हम लोग इस गेम के ग्राफिक्स की बात करो तो सबसे बड़ा हाईलाइट इस गेम के इसके ग्राफिक्स ही होने वाले। इसमें आपको काफी ज्यादा तगड़े ग्राफिक्स देखने को मिल जाते हैं। और गाइस, इस गेम में आपको जो ट्रेंच के जो इंजन के मॉडल वो भी काफी सारे देखने को मिल जाते हैं। मतलब आपको अराउंड 14+ ट्रेन इंजन देखने को मिल जाते हैं। सभी अलग अलग कैटेगरीज के होने वाले हैं। जैसे आपको स्टीम इंजन चलाने का मौका मिल जाएगा, इलेक्ट्रिक या फिर डीजल, ऐसे बहुत सारे टाइप के इंजन आपको इसमें देखने को मिल जाते हैं। उसके साथ में आपके पास बहुत सारे लोकेशंस होते हैं ट्रैवल करने के लिए। जैसे आप यूके में ट्रैवल कर सकते हो, यूएसए में या फिर ऑस्ट्रेलिया, ऐसे बहुत सारे जगह पे आप ट्रैवल कर सकते हो। साथ में गाइस, इस गेम में आपको काफी सारे एनिमेशन देखने को मिल जाते हैं या फिर आपको कैमरा एंगल देखने को मिल जाते हैं। आप आपके जो ट्रेन के अंदर जो पैसेंजर्स बैठे उनके भी कैमरा एंगल्स आप देख सकते हो, या फिर जो पैसेंजर ट्रेन में चढ़ रहे, ऐसे काफी सारे कैमरा एंगल्स इसमें देखने को मिल जाते हैं। सो गाइस, ओवरऑल गेम काफी ज्यादा अमेजिंग होने वाला है। आप लोगों को प्ले करने में काफी ज्यादा मजा आएगा। और गाइस, अगर आप लोगों को ट्रेन सिमुलेटर्स काफी ज्यादा पसंद है तो आप लोग इस गेम को एक बार जरूर ट्राई कर लेना। सो गाइस, इसी के साथ बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट गेम की तरफ। सो गाइस, हमारे इसका 4th नंबर का गेम निकल के आता है वॉर आफ्टर। और गाइस, इस गेम की साइज आपको अराउंड 150 MB के आसपास देखने को मिल जाती है। गेम पूरी तरह से ऑनलाइन होने वाला है। सो गाइस, अगर हम लोग इस गेम के ग्राफिक्स की बात करें तो आप लोगों को 150 MB में काफ़ी ज़्यादा तगड़ी ग्राफिक्स देखने को मिल जाती है। और गाइस, जब आप इस गेम को प्ले करेंगे, एक्चुअल में प्ले करेंगे, तो आप लोगों को पूरा एक कॉल ऑफ ड्यूटी मॉडर्न वॉरफेयर का जो एक्सपीरियंस होने वाला है, वैसे एक्सपीरियंस या फिर वैसे फील आपको इस गेम को प्ले करते समय आने वाला है। गेम काफ़ी ज़्यादा तगड़ा होने वाला है। इसमें आपको 5v5 प्लेयर के मैचेस देखने को मिल जाते हैं। और गाइस, सामने के जो प्लेयर्स है वो भी रियल टाइम प्लेयर्स होने वाले हैं। मतलब आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्टी फेस करनी पड़ेगी। उसके साथ में गाइस, आप लोगों के पास काफ़ी सारे नए नए मैप्स होने वाले इस गेम में। तो गाइस, गेम को प्ले करने में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आता है। ओनली 150 MB का है, तो गाइस इस गेम को एक बार ज़रूर ट्राई करना। और ट्राई करने के बाद मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना आपको गेम कैसा लगा है। सो गाइस, इसी के साथ बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट गेम की तरफ। सो गाइस, हमारे लिस्ट का 3rd नंबर का गेम निकल के आता है पोकेमोन का सबसे बेस्ट गेम। उसका नाम है पोकेमोन यूनाइट। और गाइस, इस गेम की साइज आपको अराउंड 530 MB के आसपास देखने को मिल जाती है। गेम पूरी तरह से ऑनलाइन होने वाला है। सो गाइस, अगर हम लोग इस गेम के ग्राफिक्स की बात करें तो इसमें आपको काफ़ी ज़्यादा तगड़ी ग्राफिक्स देखने को मिल जाती है। उसके साथ में गाइस, इस गेम में आप 5v5 पोकेमोन के बैटल कराने वाले हो। और गाइस, आप लोगों को करना है सामने के प्लेयर के जो पोकेमोन है उसे नॉकआउट करना है और उनके एरिया में जाके एक गोल कर देना है। सो गाइस, गेम को प्ले करने में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ जाता है। और गाइस, जैसे जैसे आप बैटल विन करते जाएंगे या फिर जीतते जाएंगे या फिर सामने के प्लेयर को नॉकआउट करते जाएंगे, आपको जो पोकेमोन होने वाला है वो इवॉल्व होने वाला है। तो गाइस, इस गेम को ज़रूर ट्राई करना। इस गेम को प्ले करने में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आता है। पर्सनली मैंने इस गेम को ट्राई किया है, तो आप लोग भी ज़रूर ट्राई करना। और गाइस, अगर आपको अब तक की गेम्स पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर देना। सो गाइस, इसी के साथ बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट गेम की तरफ।
सो गाइज हमारे लिए इसका सेकंड नंबर का गेम निकल के आता है फायरलाइट 84। और गाइज ये जो गेम एक बैटल रॉयल टाइप का गेम होने वाला है, इस गेम की साइज आपको अराउंड 870 एमबी के आसपास देखने को मिल जाती है। गेम पूरी तरह से ऑनलाइन होने वाला है। सो गाइज अगर हम लोग इस गेम के ग्राफिक्स की बात करें, इसमें आपको काफ़ी ज़्यादा तगड़ी ग्राफिक्स देखने को मिल जाती है। ऊपर से गाइज इस गेम में आपको काफ़ी सारे मोड्स देखने को मिल जाते हैं, मतलब आप मल्टीप्लेयर या फिर रैंक या फिर ऐसे बैटल रॉयल, ऐसे काफ़ी सारे मोड्स आपको इसमें देखने को मिल जाते हैं। ऊपर से गाइज इस गेम में आपको काफ़ी सारे मैप्स देखने को मिल जाते हैं। और गाइज वो जो मैप्स दिखाए गए हो काफ़ी ज़्यादा फ्यूचरिस्टिक मैप्स आपको इसमें देखने को मिल जाते हैं। उसके साथ में आपके पास जो गन्स होने वाली वो भी काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग बनाई गई, उसके जो गन स्किन से या फिर उसके जो लुक से काफ़ी ज़्यादा फ्यूचरिस्टिक इस गेम में आपको देखने को मिल जाते हैं। ऊपर से गाइज इस गेम में जो व्हीकल्स दिखाए गए ना, काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग व्हीकल्स आपको इसमें देखने को मिल जाते हैं। या तो आप लोग उसमें मॉन्स्टर ट्रक या फिर जो कार्स दिखाए ना, काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग कार्स आपको इसमें देखने को मिल जाते हैं। उसके साथ में गाइज आपके पास काफ़ी सारे कैरेक्टर्स होने वाले, और गाइज सभी के सभी कैरेक्टर्स के पास अपनी एक खुद की अलग एबिलिटी होने वाली जिसे आप गेम में यूज़ कर सकते हो। और गाइज आपके जो कैरेक्टर है सभी के सभी के पास जेट पैक्स होने वाले, मतलब आप इस गेम में उड़ भी सकते हो। तो गाइज ओवरऑल एक बैटल रॉयल गेम्स के साथ आपको काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है। तो गाइज इस गेम को एक बार ज़रूर ट्राई करना, और ट्राई करने के बाद मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना आपको एक गेम कैसा लगा है। सो गाइज इसी के साथ बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट गेम के। सो गाइज हमारे लिए इसका फर्स्ट नंबर का गेम काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर और मोस्ट अवेटेड गेम्स में गिना जाता है। सो गाइज उस गेम का नाम होने वाला बैटलफील्ड मोबाइल। और गाइज इस गेम की साइज आपको अराउंड 550 एमबी के आसपास देखने को मिल जाती है। गेम पूरी तरह से ऑनलाइन होने वाला है, लेकिन गाइज मैं आप सभी लोगों को बताना चाहता हूँ, ये गेम अभी तक पूरी तरह से लॉन्च नहीं हुआ है। ये गेम अभी भी बीटा वर्जन में, लेकिन गाइज इस गेम का जो बीटा रिलीज है वो अभी 24 सितंबर को लॉन्च हो चुका है। तो आप लोग इस गेम को अभी डाउनलोड करके प्ले कर सकते हो। और गाइज मैं आप लोगों को बता देता हूँ आप लोग इस गेम को कैसे डाउनलोड करने वाले। सो गाइज मैंने इसकी डाउनलोड लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी, टैप स्टोर से आप लोगों को इस गेम को डाउनलोड करना है। कुछ 95 एमबी का एप्लीकेशन होने वाला है, लेकिन गाइज जैसे आप उस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेंगे उसके बाद आपको एक वीपीएन की जरूरत पड़ने वाली है। सो गाइज सिंपली आपको एक वीपीएन डाउनलोड करना है, और फिलीपींस कंट्री का जो वीपीएन है उसको कनेक्ट कर लेना है। उसके बाद में आप जैसे गेम को स्टार्ट करेंगे आपका कुछ 500 एमबी का डेटा डाउनलोड हो जाएगा, उसके बाद आप इस गेम को एंजॉय कर सकते हो। सो गाइज इस गेम को जरूर ट्राई करना, क्योंकि इसका जो बीटा है वो अभी लॉन्च हुआ है, मतलब और थोड़ी दिन चलेगा, कितने दिन चलेगा वो नहीं बता सकता, लेकिन अभी चालू है। तो आप लोग इस गेम को डाउनलोड करके ट्राई कर सकते हो। ट्राई करने के बाद मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना आपको गेम कैसा लगा है, क्योंकि इसके ग्राफिक्स टॉप नॉच ग्राफिक्स होने वाले, काफ़ी सारे नए नए मैप्स देखने को मिल जाएंगे आपको, काफ़ी सारे गन्स देखने को मिल जाएंगे, तो ट्राई जरूर कर लेना। सो गाइज आज के वीडियो में बस इतना ही था। आई होप आपको सभी गेम्स जरूर पसंद आए होंगे। और गाइज सबसे ज़्यादा आपको कौन सा गेम पसंद आया उसके बारे में मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और गाइज अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर देना। और गाइज अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर। तो गाइज मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में कुछ और नए गेम्स के साथ, कुछ और नए अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।